हेलो किसान भाइयों, वेलकम बैक हमें अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं चने की खेती के बारे में। वीडियो पे नए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि वीडियो आपको संपूर्ण समझ में आए कि आज चने की खेती में फूल जो है हमारा झड़ रहा है या फूल जो है हमारा रुक गया है। तो हम फूल को मतलब झड़ने से रोकने के लिए या फूल के ग्रो के लिए हम क्या करेंगे, ऐसा कौन सा कार्य डालेंगे करेंगे और ऐसा कौन सा दवा डालेंगे जिससे हमारा फूल अच्छे से ग्रो करे और हम लोग का जो फसल में फली है और जितना जितना फूल बढ़ेगा उतने फली लगेगी और फली जितना लगेगी उतना हम लोग को ज़्यादा उत्पाद होगा और उत्पाद से मुनाफा होगा। तो हम बात करने वाले हैं दोस्तों आज चने में कौन से दवा का उपयोग करें ताकि उस दवा के प्रयोग करने से हम लोगों का जो फूल है उसमें वृद्धि हो और जो फूल झड़ने वाला है उसमें भी वृद्धि हो। तो चलिए चलते हैं आगे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हम और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चना की फसल जब अधिक उत्पाद प्राप्त करना है आपको, चाहे अधिक उत्पाद लेना है, तो हम सबसे पहले खाद और उर्वरक का अच्छा प्रबंधन करते हैं। जैसे खेत में तैयारी की है उसी टाइम, जो हम इसके पीछे वीडियो में भी बताए हैं कि खेत की तैयारी के समय कौन कौन सा खाद डालते हैं, लेकिन फिर एक बार जल्दी जल्दी मैं आपको मतलब जल्दी हाल मतलब बता दे रहे हैं आपको कि कौन कौन सा, जैसे हम लोग को उर्वरक, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद और जो जो भी खादें हैं उनका प्रयोग करके हम इसको खेत में डालकर और जुताई करके रोटावेटर चला के इसको पटा चला के एकदम नॉर्मल कर लेते हैं। दोस्तों नॉर्मल करने के बाद से जो है हमारा, अब हम बात करेंगे अभी के सीजन में अगर हमारा जो फूल बढ़ाना है तो हम लोग का कौन सा दवा उपयोग करना चाहिए और कौन सा दवा उपयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सी लोगों का आवश्यक जो प्रबंधन है दोस्तों हमारा पुष्प बढ़ाने के लिए दोस्तों। उसके बाद से दोस्तों आता है तो जो पानी में घुलनशील उर्वरक है, जो स्प्रे जिसको हम स्प्रे भी बोलते हैं, उसका हम प्रयोग कैसे करेंगे। दोस्तों बता दें कि 13045@1ग्रा आता है कि दवा का नाम है दोस्तों, 13045, ठीक है, @, ये एक दवा है, 1 kg दवा और पोषक तत्व में 250 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर की पानी में घोलकर और इसका छिड़काव कर देना चाहिए। अब दोस्तों बात आता है कि चने इसका तो छिड़काव हम कर देंगे 200 लीटर पानी में प्रति एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव कर देते हैं। और अब दोस्तों और आपको हम बताएंगे कि जब चने में और फूल बढ़ाने के उपाय हो, और किसान भाइयों बहुत ही परेशान हैं चने में फूल बढ़ाने के लिए, बहुत ही ज़्यादा किसान भाई परेशान हैं, मतलब चने में फूल बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो जब भी आप हम लोग का वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में जो आपको दिख रहा है जितना फली आपको दिख रहा है, देख लीजिए अभी आप लोग फूल के चक्कर में होंगे कि हमारे चने में फूल बनेगा फूल बनेगा, लेकिन देख लीजिए हमारे जो चना है उसमें फली बन गया है। कैसे फली बना है दोस्तों, अगेती खेती करने से। अगेती खेती करके हम जो अभी दवा आपको बताए हैं उसका हम छिड़काव अपने चने पे किए हैं, जिसे हमारा चना देख लीजिए फूल बन मतलब फूल से फली बन चुका है। आधा फूल है लेकिन अभी फली कितना दिख रहा है, पूरा खेत में फली फली दिख रहा है और फूल जो नया निकला है वह भी दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, हम जो दवा का उपयोग किए हैं वही आपको बता रहे हैं, आप भी उसका प्रयोग करिए। अगर रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा तब आप बोलिएगा कि नहीं आप मतलब चीटिंग किया है या कुछ भी हमको गलत जानकारी दी है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अगर ये जानकारी गलत निकली तो दोस्तों एकदम कंफर्म एकदम गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि अगर आप इसको लगाते हैं तो अच्छी आपको उपज मिलनी ही मिलनी है। अब बात करने हैं कि उर्वरक और खाद का जब हम उपयोग कर लेते हैं तो सबसे बात दोस्तों आता है कि हम किसी भी खेत में चने को लगा देते हैं। चने को लगाने के बाद से बात आता है दोस्तों कि मिट्टी पीएच मान कितना था, मिट्टी के पीएच मान के हिसाब से तो हम चने में जो उर्वरक देना है देंगे। ऐसा नहीं है कि मिट्टी का चने के लिए जितना 5 से मतलब 6 से 7 पीएच मान में चना अच्छा होता है, तो हम लोग ऐसा करेंगे कि चना हम लोग का ग्रो करे और हम लोग को पीएच मान भी सही रहे। तो पीएच मान के मायने से अगर हम उसमें खेती नहीं किए हैं, कौन कोई भी खेत में हम अगर चना का बुआई करते हैं तो अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए 40 किलो डीएपी और 15 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास प्रति एकड़ बुआई के समय दें। बुआई के समय यही का मतलब जब बुआई हम कर रहे हैं दोस्तों उसी समय यह कार्य करना है। कौन सा कार्य करना है दोस्तों, 15 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास और 15 किलो डीएपी दोनों को हम लोगों को बुआई से पहले इसको
मतलब खेत में छिड़काव करना चाहिए। अब बताता है दोस्तों चने की बढ़वार के लिए क्या करें। चनों की जो तना है उसके बढ़वार के लिए है, हम कौन सा दवा का प्रयोग करें कि हमारा चना अच्छा बढ़े, अच्छा कार्य करे, अच्छा मतलब ग्रो करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं दोस्तों कि 80 उपज अगर हमको चने में प्राप्त करना है तो 20 से 25 केजी नाइट्रोजन, 50 से 60 केजी फास्फोरस और 20 केजी हम लोगों को पोटास और 20 केजी गंधक। गंधक और पोटास इसके पहले भी बताया दोस्तों कि काफ़ी अहम खाद है। अगर यह खाद हम प्रयोग करते हैं चना में तो काफ़ी अच्छा हम लोगों को रिजल्ट देखने में मिलेगा। तो गंधक और पोटास हमको देना ही देना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अनसिंचित असिंचित मतलब और बिना सिंचाई, जो बिना सिंचाई के जो होता है अवस्था में प्रतिष्ठित यूरिया डीएपी और फसल पर स्प्रे करने से चना की उपज में वृद्धि होती है। जब हम लोग सिंचाई कर लिया, सिंचाई के बाद से हम उसमें यूरिया डीएपी खाद, भूमिका खाद, जो भी खाद है उसको डालेंगे। उसके बाद से हम फसल में स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं और ऐसे ही सूखे सूखे भी छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन स्प्रे के माध्यम से अगर हम खेत में फसल को देते हैं तो काफ़ी अच्छा हम लोगों को मतलब फसल ग्रो भी करता है, फूल भी अच्छा बनता है, जो फूल झड़ना रहता है वो भी नहीं झड़ता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों। तो जय जवान जय किसान दोस्तों।